मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। फिर दाढ़ी लगाने के लिए विदेशी क्रीम मत खरीदो, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमिक, शल्टन, डिटॉल। फिर आप कहोगे दाढ़ी कैसे बनाए, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूँ। 4 फायदे हैं। पहला, दूध लगाओ तो चेहरा चिकना होता है, रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड ज़्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकाल देता है, चेहरे से गंदगी निकलेगी, कील मुहासे नहीं होते। तीसरा है, चेहरे पे दूध लगाओ, चेहरा चमकता है, मुफ्त में स्मार्ट हो जाओगे आप सब। और चौथा फायदा कि दूध से दाढ़ी बनाओ तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा इस देश में रहेगा। पामोलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश है। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये फालतू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमिक। आप कहते हैं जी दाढ़ी बनानी है, दाढ़ी बनाने के तो 20 तरीके हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम शेविंग क्रीम लगा के दाढ़ी बनाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है, रफ होती जाती है, और रफनेस एक समय इतनी बढ़ जाती है कि 2 बार 3 बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती, क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है, उसमें केमिकल ऐसे हैं। क्यों लगा रहे हैं, बंद कर दो। फिर आप बोलोगे दाढ़ी कैसे बनाए, दूध से बनाओ, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, एकदम चिकनाहट आ जाएगी, फिर रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेप बनती है। दही ले लो, दही, दही को लगाओ, फिर रेजर चलाओ, और भी अच्छी शेप बनती है। तेल ले लो, तेल, एक बूंद तेल पानी में मिला के चेहरे पे लगाओ, फिर रेजर चलाओ, डीप कट होता है, बहुत क्लीन शेप होती है। दूध से दाढ़ी बनाए ना, बहुत मजा आएगा। क्यों? दूध जो है ना, क्लींजिंग एजेंट है। आपको मालूम है सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है। आप रोज दूध से दाढ़ी बनाएंगे, सारी गंदगी निकल जाएगी, चेहरा चमकेगा, स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में। कल से ही शुरू करो। मैं तो बहुत समय से करता हूं, दूध से दाढ़ी बनाता हूं, आप भी करो। पैसे आपके बचेंगे, अल्टीमेटली देश के बचेंगे। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है। आप जितना खर्चा घटाएंगे, आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की। तो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खर्चे घटाओ, देश का बड़ा खर्चा अपने आप घट जाएगा। शेविंग क्रीम फालतू खर्च मत करो, दूध से दाढ़ी बना लो, दही से बना लो। और आपको तो मालूम है, हम दूध से शंकर भगवान को स्नान कराते हैं तो दूध से दाढ़ी क्यों नहीं बना सकते? जब ईश्वर स्नान करते हैं तो हम तो दाढ़ी बना ही सकते हैं ना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।